निर्मल पांडे, हु इज फीचर इन अक्लेम्ड फिल्म्स लाइक इस रात की सुबह नहीं एंड बैंडिट क्वीन, हैज पास्ड अवे इन मुंबई. द एक्टर हु इज बेस्ट नोन फॉर प्लेइंग विक्रम मल्ला इन शेखर कपूर्स मच अपलॉडेड बैंडिट क्वीन डाइड ऑफ अ मैसिव हार्ट अटैक. ही वॉज एलिंग फॉर सम टाइम. Nirmal Pandey holds the unique feat of having won the Best Actress Award at the Valenciennes Film Festival in France in 1997. He won it for his role as a transvestite in Daira. निर्मल पांडे, जन्म छोटे से शहर नैनीताल में, परिवार मध्यवर्गीय सामान्य, परिवेश साधारण, मगर प्रतिभा असामान्य और उपलब्धियां उससे भी ज्यादा असाधारण. नैनीताल में ये है निर्मल का जन्म स्थान. पिता हरीश चंद्र पांडे पशुपालन विभाग में थे. ईजा रेबा एक सामान्य गृहिणी. घर वालों के पास देने के लिए अगर कुछ था तो वो थे अच्छे संस्कार, और निर्मल के पास अगर कुछ था तो वो था हदों को तोड़ने का जज्बा. संगीत परिवार को विरासत में मिला. तो कहती थी नाना जी ये बनते थे वो बनते थे. नाना जी ना मेरे पिताजी, तो वो बहुत गायक थे, वो शौकीन थे. तब कहने वाला कैसे ढंग से गाते थे सुना तो मेरे को कहने वाला. नाना जयदत्त पांडे एक प्रख्यात कथावाचक थे, रामलीला के आयोजक थे. ये धारा माँ से होते हुए बच्चों तक पहुँची. जीनी रे जीनी, काहे का ताना, काहे की बरनी, काहे का ताना. रामलीला घर के पास ही आयोजित होती थी. रामलीला की तालीम में घर के नौनिहाल जाने लगे और रामलीला में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने लगे. CRST इंटर कॉलेज में इस प्रतिभा को निखार मिला. लेकिन जो थिएटर वाला जो जुनून है वो हमें वहीं से लगा जब हम लोग CRST में आए. बड़े ईमानदारी के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ निर्मल ने उसको अपना करियर बनाया. स्थानीय DSB कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद निर्मल एक कलाकार के रूप में स्थापित हो गया. ये एक ऐसा दौर था जब शहर नैनीताल में सांस्कृतिक चेतना चरम पर थी. कई नाट्य संस्थाएं गठित हो चुकी थी. इनमें प्रमुख थी युगमंच, जो एक के बाद एक उल्लेखनीय प्रस्तुतियां दे रही थी. मगर निर्मल को पढ़ाई पूरी करते ही सरकारी नौकरी मिल गई. 1980 का दौर उथल पुथल का दौर, लेकिन नाटकों का गोल्डन पीरियड. युगमंच बन चुका था, कई बेहतरीन नाटक हो चुके थे और भी कई संस्थाओं ने बहुत अच्छे अच्छे नाटक किए, और उसी दौर में निर्मल का प्रवेश हुआ. अजीब शख्स था निर्मल. नौकरी छोड़ करके NSD चला गया. उसकी शख्सियत को इस शेर से समझा जा सकता है कि ईमा मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र. ईमा मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे. निर्मल ने कुफ्र करना कबूल किया, लगी लगाई नौकरी से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में दाखिला ले लिया. एक पंछी को खुला आकाश मिल गया और
वो हदों को तोड़ता हुआ उड़ान भरने लगा। उसके टैलेंट को तारा आर्ट्स लंदन ने पहचाना और उसे अनुबंधित कर इंग्लैंड बुला लिया। वहां उसने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। ठीक इसी वक्त शेखर कपूर साहब ने उसे बैंडिट क्वीन में नैनीताल का बेटा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो गया। शाहराहों का सफर शुरू हो गया। निर्मल छोटे समय में बड़ा कलाकार बन गया। फिल्मी दुनिया के जाने माने निर्देशकों शेखर कपूर, अमोल पालेकर, सुधीर मिश्रा, विनय शुक्ला व मैटिनी आइडल स्टार्स के साथ निर्मल का नाम जुड़ने लगा। समय बदलने लगा और इसके साथ साथ निर्मल की दुनिया बदलने लगी। अगर कुछ नहीं बदला तो वो थी उसके सादगी। निर्मल बहुत ही सिंपल है और बहुत ही शाय है। बैंडिट क्वीन में जब सिलेक्शन हुआ और उसके बाद वो एक पूरे लार्जर देन लाइफ रूप में आया और उसके बाद जब वो रेपेटरी में मेरे से मिलने आया, उस समय जब उसने गले मिलाया तो फिर उस टच में वही बात थी जो पहले दिन के टच में थी। और नाटकों के साथ उसका जुड़ाव। मुंबई में उसने संवेदना ग्रुप का गठन किया और अंधायुग नाटक की बेहतरीन प्रस्तुति दी। मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा वो मूर्ख उधर जय होगी। धर्म किसी और नहीं था, लेकिन सभी थे अंधी प्रवृत्तियों से परिचालित। जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने ही हित में बदल लिया। वंचक है। स्टाइलाइज्ड प्ले करना था। स्टाइलाइज्ड प्ले करने में उसका जवाब नहीं था। चाहे उसने जो है वो तेरी कुट्टू शैली में प्ले किया, चाहे उसने अंधायुग किया, उरुभंगम किया भास का, मृच कटिकम किया और अपना भगवत अज्जुकम के भी सीन वर्क उसने किया, स्टाइलाइजेशन में उसका जवाब नहीं था। अपने शहर नैनीताल के साथ उसका लगाव बना रहा और युगमंच के लिए निर्देशित नाटक जिस लाहौर ने देखा को वो सजाता संवारता रहा। एक अभिनेता, एक निर्देशक के अलावा वो एक अच्छा गायक भी था। इस बात को करीबी लोग तो जानते ही थे। और उसी दोस्ती में मुझे पता चला कि वो लोक संगीत के प्रति बहुत प्यार रखते हैं, बहुत आदर है उनको लोक संगीत के प्रति। उनकी आवाज बहुत अच्छी थी, वो बहुत सुंदर गाते थे, काफी गाने उनको याद थे, मजा आता था। शॉर्ट के बीच में कभी गुनगुनाना शुरू करते थे तो वो देखना। गाने में उसका जवाब नहीं था, ताल और रिदम की इतनी जबरदस्त सेंस थी कि वो रह रहे के खुद को खुद इंप्रोवाइज करता था चीजों को। गायकी के इस हुनर को दुनिया ने निर्मल के म्यूजिक एल्बम जज्बा के रिलीज होने पर देखा। गोरे गोरे मुकड़े पे सोने का बाला, हरे हरे खेते पे पीला पराना। निर्मल ने कुशल अभिनय करते हुए एक शरीफ इंसान, एक दुष्ट खलनायक के किरदार तो निभाए ही, लेकिन एक किरदार उसने ऐसा निभाया जो संभवतः सिनेमा के इतिहास में कुछ ही लोगों ने कर दिखाया। वो था अमोल पालेकर की फिल्म दायरा में ऐसे पुरुष का जो महिला के वेश में रहता है, स्त्रीयोचित व्यवहार करता है, ट्रांसवेस्टाइट के इस रोल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। दायरा का अनुभव मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उस फिल्म में मैं एक लड़का थी और निर्मल एक औरत थे। बहुत गर्व महसूस हुआ जब मुझे और निर्मल को फ्रांस में
उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस और मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला इंटरनेशनल फेस्टिवल में. बहुत कम कलाकार हैं हिंदुस्तान में जिन्हें इंटरनेशनल अक्लेम मिल चुका है. पूरा हो जाएगा बदला, सारा इलाका थू-थू कर रहा है हम पर. हट, नाम डूब गया आज हमारे बाप का. लाए पानी ला. औरत की तरह मुंह छिपा के भागने से कुछ नहीं होगा, तमाशा बना देंगे गांव के लोग. लड़ना पड़ेगा सीने तान के. यही है ना सबकी जान, यही है ना सबकी कमजोरी. अच्छा ड्रामा डायरेक्टर, एक अच्छा संगीत को जानने समझने वाला, और इन सबसे ज्यादा एक अच्छा इंसान. ऐसे निर्मल पांडे को हम अब सिर्फ याद कर सकते हैं. अभी वो यादें बहुत अच्छी हैं मेरी, और मैं उसके आगे कई लोग कहते हैं कि बहुत कुछ और मुमकिन था, जो हुआ वही मुमकिन था. सांस रुकती कहाँ है किसी की खातिर, ये सफर तो है बस खुदे की खातिर. लम्हा लम्हा जिंदगी का, लम्हा लम्हा जिंदगी का है आखिर. मुसाफिर है मुसाफिर, मुसाफिर है मुसाफिर, मुसाफिर है मुसाफिर, मुसाफिर है मुसाफिर. Mm-hmm.